हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बालकनी प्लस टेरेस का मेकओवर। तो पहले भी एक बार मैंने इसका मेकओवर किया था। ये वॉल पेंटिंग आपने मेरे चैनल पर ऑलरेडी देखी होगी, बट धूप और बारिश की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैं इसका वापस से मेकओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर लिया, देन मैंने डॉक्टर फिक्सिट का एक लेयर अप्लाई किया और इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। ड्राई होने के बाद मैंने फ्लोर को वाइट ऑयल पेंट से पेंट किया। तो यहाँ पे मैंने वाइट ऑयल पेंट के 2 कोट अप्लाई किए हैं ताकि मुझे अच्छा सा एक वाइट फिनिश मिले। मुझे मेरे टेरेस को एक एस्थेटिक लुक देना था और मुझे सैंटोरिनी फील बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला थीम डिसाइड किया। आपको ये थीम कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब फ्लोर को थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं। तो मैंने ब्लू ऑयल पेंट में ब्लैक एंड ग्रीन कलर का स्टेनर मिक्स कर दिया है और इसे एक टर्किश ब्लू काइंड ऑफ कलर बनाया जो कि मेरे थीम से परफेक्टली मैच हो रहा है। तो एज सच मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या शेप बनाना है, ऐसे मैं रैंडम ज्योमेट्रिकल शेप बनाती जा रही थी। मेरे दिमाग में जो भी कुछ आ रहा था मैं बस उसको बनाती जा रही थी बिना कुछ सोचे, लेकिन इसका एंड रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आया। तो अब बारी आती है ये वाले कॉर्नर की, लेकिन यहाँ पर वाटर टैंक है जिसको मैं कहीं पर शिफ्ट नहीं कर सकती, इसके लिए मैंने इसको भी पेंट कर दिया। तो टैंक को पेंट करने के लिए मैंने इमल्शन पेंट यूज़ किया है, उसके मैंने 2 कोट अप्लाई कर दिए हैं और अब इसको भी मुझे थीम के साथ मैच करना था, इसके लिए मैंने थोड़ी सी बोगन मिला के ऊपर पेंट कर दिए। टेरेस की जो साइड की वॉल है वो ख़राब हो गई है, इसलिए मैं उसको वापस से रिपेंट कर रही हूँ। तो ये वाली साइड पर विंडो आता है और विंडो को भी मुझे थीम से मैच करना था, इसलिए मैंने विंडो की जो फ्रेम है उसको ब्लू कलर से पेंट कर दिया ताकि वो भी थीम के साथ मैच हो जाए। तो ये है मेरे टेरेस के एक्सेंट वॉल, मैंने इसको लास्ट टाइम पेंट किया था। ये पेंटिंग मुझे सच में बहुत पसंद थी, लेकिन धूप और बारिश की वजह से ख़राब हो गई है, तो इसको मैं वापस से रीपेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस कोट अप्लाई कर दिया है और बेस कोट ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बनाऊँगी ताकि वो भी मेरे थीम से मैच हो सके। इन सब के फाइनल रिवील्स आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।